हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कील मुहासों के, मतलब मुहासों के बारे में। मुहासे एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर बहुत सारे लेडीज़ को और लड़कों को प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, आज ये मेरा वीडियो जो है लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। अगर आप लड़के हैं यानी कि पुरुष हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। अगर आपके चेहरे पे दाने निकलते हैं, मुहासे हो रहे हैं, किसी भी तरीके के मुहासे निकल रहे हैं, तो आप आज मैं आपको एक ऐसा पैक बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के दाने को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि मुहासों को ख़त्म कर सकते हैं। मुहासे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है अब, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे, मतलब जिनकी मदद से आप मुहासों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बाहर की जो जैसे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे चेहरे पे निशान छोड़ जाते हैं, या फिर डार्क्स छोड़ जाते हैं, काले काले जो मार्क्स होते हैं वो छोड़ जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे हैं। और हमारी स्किन को जो आदत लग जाती है क्रीम की, वो तो लग ही जाती है। तो गाइस, अगर आप अपनी स्किन को बिना केमिकल फ्री रखना चाहते हैं और एक अच्छा फेस पैक चाहते हैं जिसकी मदद से आपके चेहरे के दाने भी ठीक हो जाएं, तो मैं आज आपको बहुत ही नेचुरल घरेलू फेस पैक बताऊंगी जिसकी मदद से आपको अपने चेहरे की एक्ने, यानी कि जो पिंपल्स हो रहे थे, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर लेंगे ज़्यादा टाइम तक, तो आपकी एक्ने जो है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इस पैक का मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही अच्छा पैक है, बहुत ही जानकारी लेकर मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि हाँ, इससे एक्ने ख़त्म होगा या नहीं। जब मुझे इसके बारे में पता चला कि हाँ, इससे एक्ने ख़त्म होता है, तो मैं आप लोगों तक इसको लेके आई हूँ। तो अगर आपको अपने फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, यानी कि मुहासों की प्रॉब्लम, भर भर के मुहासे हो रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप अगर आप किसी दवाई का या फिर किसी ट्यूब का यानी कि किसी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। एक दो बार वीक में एक दो बार ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा अगर आपने आपकी फेस पे एक्निक पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, ठीक है, वो भी आपको ले लेना है। मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना मैं मतलब हाथ पे तो नहीं कर सकती क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें ही चाहिए होती। और ये है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, सॉरी मुल्तानी मिट्टी पाउडर है, मैं कह रही हूँ फेस पैक। तो मुल्तानी मिट्टी, मैं आपको बता दूं कि जो आपके चेहरे के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर से जाकर जो गंदगी होती है उसे अच्छे से साफ़ करती है। ये स्किन को, मतलब जो हमारे दाने होते हैं उनको ड्राई करती है, जो उनका तो ऑयल होता है उसे साफ़ करती है, स्किन को अंदर से साफ़ करती है। तो आप मुल्तानी मिट्टी का पैक ज़रूर लगाएं और मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करें। अपने चेहरे पर अगर दाने हैं, मुहासे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लिया है, तो इसका एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी आपको ले लेना है, क्योंकि एक चम्मच काफ़ी हो जाता है ये, इतना ही इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लिया। दूसरा आपको चाहिए होगा हल्दी, मैंने इसमें रख रखा है, ये मेरा घर का हल्दी है। तो यहाँ पे आधा चम्मच आपको हल्दी चाहिए, ताकि हल्दी में ऐसे कई गुण होते हैं जो कि फोड़ा फुंसियों को, और जो कि फुंसियों में काफ़ी मदद करती है। ये हमारे पिंपल्स यानी कि एक्ने को भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो मैं यहाँ पे मैंने इतना हल्दी लिया है, आप जितना चाहे, मतलब आधा चम्मच, इतने छोटा सा आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीलापन दिखने लगेगा, वैसे नुकसान तो कोई नहीं है। अब हम तीसरा चीज़ हमें चाहिए होगा शहद, तो यहाँ पे मैंने ये शहद लिया है, तो आपको यहाँ पे शहद ले लेना है तीसरा। तो एक चम्मच आपको इसमें शहद मिलाना है, ओ इतना ज़्यादा निकल गया है, तो एक चम्मच आपने शहद मिला लेना है, ठीक है। अब इनका अच्छे से मिक्सर बना लेना है, इसका अच्छे से मिक्सर बना लीजिए। उसके बाद इस मिक्सर को, इसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल लगा लेते, मिला लीजिए, ताकि ये मिक्सर बन जाए, वरना ठीक है। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है,
आपने इसे अपने चेहरे पे लगाना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर सूखने तक के लिए, जब तक सूख जाए उसके बाद आप इसे साफ कर लीजिए। इसमें जो भी चीज़ें मिलाई हैं वो भी मैंने बिल्कुल नेचुरली चीज़ें मिलाई हैं, इससे आपको चेहरे पे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पिंपल्स वाली स्किन है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे लगाकर उसके बाद पहले तो आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, यानी कि साफ़ कर लेना है, उसके बाद आप इसे लगाइए। तब इसको आप वीक में, मतलब हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो मुहासे हो रहे हैं वो अंदर से ख़त्म होते जाएंगे धीरे धीरे, तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, कोई भी मतलब दाग धब्बे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोल रही हूँ, शहद बहुत ही अच्छा काम करती है पिंपल्स पर, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें इस पैक को। अगर आप लड़के हैं तो भी आप इसे ट्राई करें, आप यहाँ से लगाइए पूरे जहाँ जहाँ पे आपको यकनिक है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। और आप गर्ल्स हैं, आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप भी लगाएं। मेरे को भी बहुत सारे पिंपल्स, मैं भी इसी तरीके की चीज़ें फॉलो करती हूँ, अपनी स्किन पर लगाती हूँ, तब जाके ये पिंपल्स कम होते हैं, तो गाइस ख़त्म होते हैं। वैसे मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होती है। तो मुल्तानी मिट्टी इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। कैसे काम करती है, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, एक्स्ट्रा ऑयल होता है जो, उससे हटाती है मुल्तानी मिट्टी, काफ़ी ड्राई कर देती है स्किन को। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो शहद डालकर इसका पैक बनाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। रियली में आपके जो मुहासे हैं, ये पैक जो है मुहासों के लिए ही है। आपकी स्किन में मुहासे अगर नहीं भी हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, तो भी आप इसे लगा सकते हैं, और वैसे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका नुकसान नहीं है। कभी भी आप इसे, जब भी टाइम मिले, इसे ज़रूर लगाइए अपने चेहरे पर। आपके चेहरे की जो प्रॉब्लम है, इनके जो एक्निक वगैरह जो रिएक्शन है, वो काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये ड्राई करता है अंदर से जो मुहासे होते हैं, तेल की वजह से या गंदगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। ज़्यादातर प्रॉब्लम शहर वाले लोगों को मुहासों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादातर शहर में ही देखा जाता है। तो इसलिए, तो अगर आपकी स्किन है तो आप अच्छे से रात को सोएं, जब जब साफ करके सोएं पूरे चेहरे को, और अच्छे से स्किन को साफ करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा मुहासे ठीक होने में। तो मेरे को भी बहुत, एक समय पे बहुत ज़्यादा मुहासे हुए थे, इसी तरीके से मैंने ये सब फॉलो किया, तब जाके बहुत जल्दी ठीक हुआ। लेकिन स्किन को केमिकल की आदत मत डाल देना, क्योंकि जो नेचुरली जो स्किन आपकी है वो ही बहुत अच्छी दिखती है। और हम जो केमिकल पोत पोत के ब्यूटी दिखाने लगते हैं ना, सुंदर दिखने लगते हैं, गोरे हो जाते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती है। बेशक आप गोरे हो जाएं, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, वो चमक नहीं होती जो कि नेचुरली चमक होती है। तो इसलिए ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ मत करें, कम करें, और मुहासों को इसी तरीके से ठीक करें। और एक ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, चल सकता है, उसके बाद अगर आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है तब भी आप इसे दोपहर में उपयोग कर सकते हैं अपने चेहरे पे, इससे भी आपको कम फ़र्क मिलेगा काफ़ी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियोस मेरा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तभी। बाय, और तो अच्छा बाय, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया यार।